अभी बज रहे हैं दिन के 2 और हमने खाना खा लिया है और हमने सारी पैकिंग कर लिया। थोड़े थोड़े सामान बचे हैं अभी, तो इस वाले बैग के अंदर हमारे सारे कपड़े पैक हो चुके हैं। ये इस वाले बैग में है मेरी 3-4 बुक्स, अंदर है सभी के रात को पहनने के लिए कपड़े। मम्मी वैसे 2 से 3 घंटे सोती है और आज मम्मी सोएगी 1 घंटा, क्योंकि हमें जाना है तो तैयारियां भी करनी है। गाइस अभी बज रहे हैं रात के 8:08, अभी तक कोई भी तैयार नहीं हुआ है, अभी कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं। यहाँ पर चिकन खाते हुए पापा दिल्ली का चिकन मिलेगा 1 हफ्ते बाद खाने को, इसलिए आज लास्ट चिकन खाते हैं दिल्ली का। मम्मी की लिपस्टिक दिखा दे। तो गाइस अभी हम देहरादून जाने वाले, मैंने ड्रेस पहन ली है नायरा की और तो डक्कू भी रेडी हो चुका है गाइस। कच्छा नहीं पहना उसने। हाँ भी गाइस हमने ये रखा सूटकेस, इसमें सामान मेरे हैं, डक्कू के हैं और बाकी हम पहन कर जाएंगे। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो फाइनली हम निकल रहे हैं, यहाँ पे आशीर्वाद वगैरह लिया जा रहा है। चलो आ जाओ रख देंगे पापा, चलो चलो फिर ठीक है। अभी हमारी कैब आ गई है, अब हम बैठेंगे। फाइनली हम पहुंच गए हैं बस अड्डे, दिल्ली का जो बस अड्डा है आई एस बी टी, वहाँ पहुँच चुके हैं और पूरा देखो खाली है। यहाँ पे नीचे भीड़ है, यहाँ पे ऊपर बैठे हुए हैं और बच्चे लोग लेडीज लोग गए हैं अपना टॉयलेट वगैरह के लिए। अरे डक्कू ना यहाँ भी नहीं मान रहा है, यहाँ भी ये मस्ती करने पे लगा हुआ भाग रहा है इधर उधर। यहाँ बैठो उधर, यहाँ बैठो उधर, यहाँ पे यहाँ बैठो, गंदा बच्चा। हाँ चढ़ो बस, हाय बोल दो, हाय हाय बोल दो, हाय बोल दो, हाय बोल दो, हाय बोल दो। दोस्तों पूरे 1 साल बाद जा रहा हूँ मैं देहरादून और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन इस बार जो जा रहा हूँ ना पूरे मतलब अच्छे मन से नहीं जा रहा हूँ इस बार मैं, क्योंकि हर बार जाता हूँ ये सोच के कि वहाँ जाऊँगा 1-2 महीने स्पेंड करूँगा, बट इस बार जा रहा हूँ मैं किसी और काम के लिए जो आपको धीरे धीरे ब्लॉग में चलेगा पता। तो बड़ा मन दुखी है लेकिन क्या करें, सिचुएशन को देखते हुए करना पड़ता है सब चीज़ें। और इस टाइम पे मैं पहुंच चुका हूँ ISBT में और यहाँ से भी हम पकड़ेंगे देहरादून की बस जो हरिद्वार होते हुए जाएगी, मतलब बेसिकली मेरे को हरिद्वार की बस पकड़नी है और वहाँ से जाएंगे हम देहरादून भानियावाला। तो अभी बज चुके हैं रात के 10:15 और मेरा टारगेट है यहाँ पे 11 बजे की बस पकड़ना। मिनी आ बैठो, चलो हाथ नीचे, गंदी बच्ची, चलो ये देखो गंदा है, ये हरकतें कर रहा है उल्टी सीधी पे भागे जा रहा है पता नहीं कहाँ कहाँ। 10:15 हो चुके हैं अभी और मेरा टारगेट है मैक्सिमम 11 बजे की बस पकड़ना, ताकि मैं सुबह सुबह 4 या 5 बजे के आसपास हरिद्वार पहुँच जाऊँ और वहाँ से फिर हमें मिलेगी सिटी बस जो हमें पहुँचाएगी देहरादून। और ये आ गए हैं फ्रेश होके वॉशरूम से, कहाँ चले गए थे इतने दूर, बहुत टाइम लगा दिया। अरे गंदे हो रखे थे बस अड्डे के बाथरूम, वो देखो खड़ा हो। और ये ना ये दिमाग खराब कर देता है, ये कहाँ घुस गया ये। एक और मार इसके, गंदा बच्चा है ये। घर से यहाँ तक के सफर में ISBT के सफर में इसको उल्टी आ गई, बताओ। उल्टी नहीं आई यार, आ सकती है मैंने कहा। उल्टी बहुत दिनों बाद सफर कर रहे हैं भाइयों, कभी भी शादी करना ना तो पहले पता कर लेना उल्टी आती कि नहीं आती सफर में। आ चुके हैं बस में हम और ये बच्चे कर रहे हैं मस्ती, पापा बस से छूट गए थे। छूटते नहीं है ऐसे करते हैं। Yeah.
दीदी के पास जाओ, दीदी के पास जाओ, मेरे पास आएगा। मैं अकेला बहुत देर चलता रहा, अब सफर जिंदगानी का कटता नहीं। तुम अगर हम सफर बनके चलती रहो, मैं जमीन पे सितारे बिछाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। रात के 1 बजे खाना खाया जा रहा है। पहुंचा हूं मैं हरिद्वार, और हरिद्वार में आके लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड है, अनएक्सपेक्टेड। बाहर तो हवा चल रही है अब, लेकिन जो बस स्टैंड है यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स है, तो यहाँ बैठे हुए और प्रतिभा और गिन्नी गए हुए फ्रेश होने के लिए, और मिन्नी यहाँ बैठी हुई है। थोड़ा सा मिन्नी को यहाँ पर अच्छा लग रहा है, डक्कू हमारा सो रहा है। ये देखो स्टेशन पर लोग कैसे सोए हुए हैं, अपना कंबल अम्बल तान के पूरा। हो रहा है 3:34 हो रहे हैं अभी, सबसे मस्ती से डक्कू सो रहा है। मुंह देखो कैसे बना लिया इसने खा। और ये आ गई है प्रतिभा, फ्रेश हो गए, गिन्नी भी आ गई है। पहले और प्रतिभा निकाल रहे हैं यहाँ पे टी शर्ट, और मेरी टी शर्ट पहन रही, ठंड लग रही है ना इसको। हीरोइन बन के आई थी घर से, जीरो बन गई यहाँ आके। क्या हो गया, ठंड लग गई? हरिद्वार है, हरी ले लिया हमने गर्मा गर्म चाय। सुबह के 4:15 बज रहे हैं और हम यहाँ चाय पी रहे हैं। सुबह के 4:15 बजे की पहली चाय हरिद्वार की हमारी। वही तो पापी भी खा रही है। आजा खाना है, क्या खा रहे हो आप? फैन बच्चों को ले ले, ले ले। कब से कह रहा था मैं कि तू मतलब बस में मतलब यूं खड़ी हो रही है। मैं कह रहा था भाई बैठ जा, नहीं ब्रेक मारी आगे गई। जी तो ऐसे करती है, वैसे भी बहुत भारी है, एक फूंक में उड़ जाती है। अरे पापा एक फूंक में उड़ जाती है तो चाटे में तेरे यहां घर पहुंच जाएगी पाकिस्तान में। बोला देख रहे हैं कि हमारे बेडरूम में कौन आ गए इतने सारे जने। हमारे बेडरूम में इतने सारे जने कौन सो रहे हैं? गिन्नी ने पहन ली मेरी टी शर्ट क्योंकि उसको ठंड लग रही थी। अच्छा मैं 2 टी शर्ट ले आया, एक गिन्नी ने पहन ली, उसकी मम्मी ने पहन ली। अभी हम भानियावाला पहुंच चुके हैं और मैं ताप रही हूँ, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। ये है देहरादून के नज़ारे, पहाड़ दिख रहे हैं, इतनी सुनसान हो रखी है पूरी गली। टाइम हो रहा है 5:12 और हम भानियावाला पहुंच चुके हैं। देख सकते हो ये है भानियावाला, और
वो जो यहाँ जहाँ से ऑटो आ रहा है यहीं से बस आती है हरिद्वार से, तो हरिद्वार का रास्ता है, यहाँ से आती है और यहाँ से इधर निकल जाती है सीधा, और ऊपर से भी ये रास्ता है, ये हाईवे वाला ये रास्ता जा रहा है सीधा देहरादून, और इसे बोलते हैं भानियावाला चौक। यहाँ से पूरा आगे भानियावाला है और ऋषिकेश के लिए जा रही है रोड, और ये जो आ रही है ये देहरादून से आते समय नीचे जिसको भानियावाला जाना हो ऊपर से उतर के नीचे आके यहाँ जा सकता है, और ये सीधा भी जा रहा है हरिद्वार, वो देख रहे हो आप ये बोर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ से अगर आपको मसूरी जाना है तो मसूरी यहाँ से पड़ता है 53 किलोमीटर और देहरादून पड़ता है एग्जैक्ट 19 किलोमीटर। तो प्रतिभा यहाँ बैठ गई है और डक्कू अपना आराम से सो रहा है, डक्कू कोई मतलब नहीं, मैं कहाँ पहुँचा कहाँ नहीं पहुँचा, और इसको देखो अंधेरा हो रहा है क्या नहीं है, फिर ओह बर्फ पड़ने वाली है ब्लैक। भाई साहब आ गए हमें पिकअप करने के लिए, नमस्कार जी नमस्कार। हाँ चलो घर पे, और ये डक्कू यहाँ पे खेल रहा है एक्वेरियम के साथ, फिश के साथ खेल रहा है, हमारी इधर दोनों बच्चे लगे हुए हैं अपना टाइम पास करने में, और इधर ये जादी अपने घर में आके इतरा रही है।